आप तो माने नहीं, लिहाजा पुलिस को ही सख्ती करनी पड़ी। क्या करें, कोरोना की चेन जो तोड़नी है। यही वजह है कि बिना पास सब्जी बेचने वाले हों या फिर बिना काम के बाहर टहल रहे युवा हों, सभी को पुलिस पकड़ पकड़ कर अपने ही अंदाज में कानून का पाठ पढ़ा रही है। तस्वीरें गोहाना की हैं, जहां एएसपी के आदेश मिलते ही पुलिस टीमें शहर में निकल पड़ी और जहां जो भी बिना इजाजत और बिना वजह घूमता दिखा उनसे सख्ती से निपटने लगी। लॉकडाउन जो 7 डेज का लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है उसमें सभी शराब के जो वाइन शॉप्स हैं उनको बंद रहने के ऑर्डर्स हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने एक तो कल मैंने सभी SHOs और चौकी इंचार्जेस की मीटिंग ली थी और उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए थे कि कोई भी वाइन शॉप खुली ना हो और सब में ताले लगे हों, बाहर से ताले लगे हों, अंदर कोई करिंदा ना हो और नीचे से डिस्क्रीटली कोई भी एक्सचेंज ऑफ लिकर, सेल ऑफ परचेज ऑफ लिकर ना हो किसी भी शॉप से। इसको लेके हमने अपनी पुलिस प्रेजेंस इंक्रीज कर दी है, पेट्रोलिंग इंक्रीज कर दी है और साथ ही साथ आज मैंने सभी जो भी वाइन शॉप्स के जो ठेकेदार हैं उनकी भी मीटिंग ली है और उनको भी हमारे सभी ये जो डायरेक्शंस हैं इशू कर दिए हैं कि किसी भी शॉप में कोई भी सेल ऑफ परचेज ऑफ लिकर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसी टाइम पे वी विल रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट देम। इसके लिए भी हमने जो अपनी पेट्रोलिंग इंक्रीज कर दी है, जो हमने रोड्स पे अपनी पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी है, नाके बढ़ा दिए हैं पुलिस के और सभी को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि कोई भी शॉप खुली हुई ना मिले और सिर्फ जो अधिकृत है वो है दवाई की दुकानें, सिर्फ मेडिसिन की शॉप्स ही ओपन रहेंगी, बाकी सब शॉप्स बंद रहेंगी, उनके नीचे से भी ना हो। अगर होगा उनके अगेंस्ट 188 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बाकी गोहाना वासियों से भी मेरी यही अपील है कि अगर कोई आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जहाँ पे कोई भी दुकानदार आपसे ज़्यादा दाम वसूल रहा है किसी चीज़ के या किसी मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग है या ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केट में सेल परचेज हो रही है, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, हम उसी टाइम पे इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। क्या है डेडिकेटेड हेल्पलाइन हमारी कोरोना की जो DC ऑफिस से प्रशासन की एक चली रही है, साथ ही साथ 100 नंबर हमारा हमेशा एक्टिव है। सभी SHOs मेरे सभी पुलिसकर्मियों के नंबर गोहाना वासियों के पास हैं तो वी विल बी अवेलेबल टू रिसीव देयर कॉल्स। कल की डेट में कल हमने पुलिस प्रेजेंस बहुत इंक्रीज करी है, सख्ताई बढ़ाई है जिससे लोगों को ये मैसेज पहुंच जाए कि सड़क में नहीं उतरना है और ये उनकी सेफ्टी के लिए ही है। और इसके चलते हुए हमने कल 6 FIRs रजिस्टर करी हैं सेक्शन 188 IPC और अदर रिलेटेड IPC सेक्शंस जैसे 269, 270, एक FIR एक्साइज एक्ट की भी है और ये उन्हीं लोगों की करी है जो कि अनधिकृत दुकानें खोल रहे थे या सड़क में किसी बिना किसी रीजन की वजह से घूमते फिरते। सख्ती बरतने से पहले पुलिस प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला था और लोगों से घरों में रहने और कोरोना नियमों का पालन करने को कहा था, लेकिन लोग तब भी नहीं माने और मजबूरन पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। गोहाना में लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, बिना वजह किसी न किसी बहाने से लोग घरों के बाहर आकर बेवजह घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ रेहड़ी वाले बिना परमिशन के शहर में सब्जियों को रेहड़ी लगाकर वहां पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस ने सब्जी की रेहड़ियों पर लगी भीड़ की सूचना पर सख्ती दिखाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की और रेहड़ी लगाने वालों पर डंडे बरसाती नजर आई। वहीं बिना परमिशन के दुकान खोलने वालों के खिलाफ भी सख्ती से पेश आई। पुलिस ने ऐसे दुकानदारों के चालान भी किए। इसके साथ ही अवैध तरीके से शराब बेचने वालों को भी पुलिस विभाग की तरफ से कार्रवाई करने की चेतावनी जारी कर दी गई है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।